महाभारत में किसके पास था कौन सा ध्वज? आइए जानते हैं महाभारत में किस योद्धा के पास कौन सा ध्वज था। युधिष्ठिर, नक्षत्र युक्त चंद्र वाला स्वर्ण ध्वज। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चित्र अंकित था, इसे वानर ध्वज कहा जाता था। भीष्म के पास ताड़ और पांच तारों के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज पताका थी। नकुल के ध्वज पर स्वर्ण पीठ लिए लाल हिरण का चित्र अंकित था। सहदेव के रथ पर लहराने वाले ध्वज पर चांदी जड़ित हंस का चिन्ह बना हुआ था। अभिमन्यु के ध्वज पर पीले पत्तों वाला पेड़ अंकित था। कृपाचारी की ध्वजा पर सांड बना हुआ था। मद्रराज की ध्वजा पर हल था। अंगराज वृषसेन की ध्वजा पर मोर था। जयद्रथ के झंडे पर वराह की छवि अंकित थी। जयद्रथ के रथ पर चांदी का शुक्र ध्वज फहरा रहा था। भूरिश्रवा के रथ में योग का चिन्ह बना था। यह ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और इसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। गुरु द्रोणाचार्य के ध्वज पर सुवर्ण वेदी का चित्र था। इसके अलावा तपस्वी का कटोरा और धनुष अंकित था। घटोत्कच के ध्वज पर गिद्ध विराजमान था। दुर्योधन के ध्वज पर कोबरा बना हुआ था, इसे सर्प केतु भी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण के झंडे पर गरुड़ अंकित होने से उसे गरुड़ ध्वज कहा जाता था। बलराम ने हालांकि युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन बलराम के झंडे पर ताल वृक्ष की छवि अंकित होने से उसे ताल ध्वज कहते थे। कर्ण का हस्ती का श्यामाहार केतु नामक ध्वज था। अश्वत्थामा की ध्वजा पताका में सिंह की पूंछ का चिन्ह बना हुआ था। इसके अलावा महाभारत में शाल्व के शासक अष्ट मंगला ध्वज रखते थे। झंडे पर हाथी की आकृति थी और स्वर्ण मयूरों से शोभित था। महीपति की ध्वजाओं पर स्वर्ण रजत एवं ताम्र धातुओं से बने कलश आदि चिन्हित रहते थे। इनकी एक ध्वजा सर्व सिद्धिदा कहलाती थी। इस ध्वजा पर रत्न जड़ित घड़ियाल के चार जबड़े अंकित होते थे।